वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था, क्लास टेंथ का, ठीक है, क्लास सिक्स का, और इसमें हम कंप्लीट कर चुके थे कुछ चीज़ें। तो वैलेंस केमिकल इक्वेशन चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे उसको। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका दो मेथड है। पहला मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। ये दूसरा मेथड है, वो था डबल टिक मेथड, ये है एबीसीडी मेथड, ठीक है। ये क्या है? एबीसीडी मेथड। ये एबीसीडी क्या है? तो आपको क्या एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, एबीसीडी नहीं पढ़ना, आपको मेथड समझना है। देखिए, जो पहला मेथड मैं ऑलरेडी बताया था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 100% और क्वेश्चन आता है केमिकल इक्वेशन से, आपका 90% क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट मेथड में बताया था, उसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिक्कत करेगा, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, थोड़ा सा जो लेवल वाला क्वेश्चन के लिए, एडवांस क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए ये मेथड है, ठीक है। तो पहले मेथड को एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है, फिर उसको दूसरा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसको सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, कुछ भी, आपका बुक में जो इक्वेशन है उसको भी ले सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल सा इक्वेशन ले रहा हूँ पहले, जैसे कि फर्स्ट है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, क्लियर। ये है इक्वेशन आपका, आपके सामने। तो हमें इसको सॉल्व करना है, देखना है कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखो, पहले तो हमें ये पता है, बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ, एनर्जी और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है, जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे मास नंबर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, आपको पता है, ठीक है। और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे? मान लो इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे सामने जो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कुछ ना कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं, तब बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। आपको मैथ तो आता ही होगा, इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को जैसे सॉल्व किया जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन बना के आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया? ए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया? बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। इसका मतलब क्या है? अगर पांच कंपाउंड होगा तो आपको ए बी सी डी ई करके लिखना है, चार है यहाँ पे, तो मैं ए बी सी डी करके लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वेरिएबल है ए, इसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना है। और हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो एक एक जो है एलिमेंट को टारगेट करेंगे, पहले एफ ई को टारगेट करेंगे, ठीक है। एफ ई मतलब क्या टारगेट करना है? लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है। लेफ्ट हैंड साइड में एफ ई कितना है? देखो, यहाँ पे एफ ई कितना है? वन, तो वन इंटू ए, तो एफ ई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। ये लेफ्ट हैंड साइड का बात। राइट हैंड साइड में एफ ई कितना है? देखो, यहाँ पे है थ्री, थ्री इंटू सी, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है? थ्री सी। सो जो है क्या करना है, इसके नीचे जो भी नंबर है, जैसे हाइड्रोजन दो है तो दो के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है। एफ ई कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन इंटू ए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है एफ ई का, ठीक है। वैसे एफ ई जो राइट हैंड साइड में है कितना है? एफ ई थ्री लिखा हुआ है, मतलब थ्री इंटू सी, मतलब थ्री सी। ये आ गया एफ ई का इक्वेशन। वैसे और क्या है? देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? देखो, टू इंटू बी क्या हो जाएगा? टू बी, टू इंटू बी क्या हो जाएगा? टू बी। वैसे ही हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है? देख लो, टू इंटू डी, मतलब टू डी, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखो, यहां पर कुछ नहीं, मीन्स क्या है? वन है, तो वन इंटू बी, मतलब ओनली बी लिख सकते हो। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है? फोर है, फोर इंटू सी, मतलब फोर सी, ठीक है। ये समझना है आपको, मैथ का ही चीजें, और कुछ करना नहीं है, बस इक्वेशन बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर एक एलिमेंट का नंबर कितना है, आपको उसको लेके इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है इजीली, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहला आपको अप्लाई करना है तरीका, देखो, ये जो ए बी सी डी वेरिएबल्स है, ए बी सी डी जो वेरिएबल्स है, जो मैक्सिमम टाइम है, जो मैक्सिमम टाइम
रिपीट हो रहा हो कोई भी इक्वेशन में, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो, ठीक है, हर एक इक्वेशन में देखना है आपको कि कौन सा ज़्यादा है, तो उसको क्या पोर्ट करना है, पोर्ट वन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ए है सी है वेरिएबल, और यहाँ पे बी है डी है, और यहाँ पे बी है सी है, मतलब यहाँ पे देखो आप बी बी को भी ले सकते हो, सी भी दो बार है यहाँ पे और बी भी दो बार है, ठीक है, तो बी को मैं क्या करता हूँ, वन पोर्ट करता हूँ, ठीक है, बी इज इक्वल टू वन। ऐसा नहीं कि तीनों में होना चाहिए, मैक्सिमम बार होना चाहिए कोई भी इक्वेशन, मान लो कि चार इक्वेशन है और उसमें तीन इक्वेशन में बी आ रहा है या तो सी आ रहा है, तो किसी को भी आप वन पुट कर सकते हो, देखना आपको मैक्सिमम टाइम क्या है। तो मैं क्या किया, बी को वन पुट किया, और देखो इसमें से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरफ क्या है, टू है, टू बी इज इक्वल टू टू डी, तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये तो ईजी है, ठीक है, अगर टू बी इज इक्वल टू टू डी हुआ तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ, डी, और b का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, b इज इक्वल टू वन, उसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, b और d का वैल्यू आपके सामने है, b क्या आ गया, वन, d भी आ गया वन, b वन d वन, और क्या निकालना है हमें, b d आ गया मतलब a निकालना है और c निकालना है। देखो यहाँ पे b के साथ क्या कर रहे हैं, c का लिंक है ये क्वेश्चन में, b इज इक्वल टू क्या है, फोर सी, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या है, फोर सी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, b इज इक्वल टू क्या है, फोर सी, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो b इज इक्वल टू क्या है, वन, तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर सी, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय फोर, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय फोर, तो c का वैल्यू निकल के आया, b आ गया, d आ गया, c आ गया, अब निकालना क्या है, a, तो a कहाँ पे है, a c के साथ लिंक कर रहा है ये इक्वेशन में, a इज इक्वल टू थ्री सी, a इज इक्वल टू थ्री, c का मतलब क्या, वन बाय फोर, ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री बाय फोर, तो a का भी आपके पास वैल्यू निकल के आ गया, तो a कितना आया, थ्री बाय फोर, देखो यहाँ पे a आया, b ये है, c ये है और d ये है, चारों को मैं लिख लेता हूँ, पहले a का वैल्यू कितना आया, थ्री बाय फोर, b का वैल्यू वन, c का वैल्यू वन बाय फोर और d का वैल्यू वन, ठीक है, चारों का वैल्यू लिख दे, आप नोट कर सकते हो, आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट कर लिए इसको, चलो अभी देखते हैं आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ए बी सी डी, चारों का वैल्यू आ गया, बस एक ही जगह में क्या पुट करना है, थ्री बाय फोर एफ ई प्लस बी की जगह क्या पुट करना है, वन एच टू ओ, सी की जगह पुट करना है आपको वन बाई फोर एफ ई थ्री ओ फोर, प्लस डी की जगह पुट करना है आपको वन एच टू, ठीक है, चाहे आप वन पुट करो या ना करो कुछ फर्क होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो वन को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, चलो अभी देखो थ्री बाय फोर वन बाय फोर, ऐसा तो इक्वेशन कहीं पर होता नहीं है कि फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के लिए आप टोटल जो इक्वेशन है इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, फोर, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो देखो फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्री एफ ई फोर इंटू एच टू मीन्स फोर एच टू, फोर फोर कैंसल मीन्स यहाँ पे हुआ एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर इंटू एच टू फोर एच टू, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो देखो इतना तक को ईजी आप कर लोगे, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आया, होल नंबर आया तो कुछ करना ही नहीं है, सही है, अगर फ्रैक्शन आया तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है कि क्या है, और डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बैलेंस हो जाए, फ्रैक्शन ना रहे, क्योंकि हमें जो इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए जो चाहिए नंबर, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन में, ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, फिर सेकंड क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा लेवल, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, NH3 प्लस ओ टू गिव्स एन ओ प्लस एच टू ओ, सही,
इसको बैलेंस करना है। चलो देखो क्या होगा। पहले तो करना क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे ए बी सी डी करके नोट करना है, ठीक है। फिर आते हैं नाइट्रोजन है, क्या क्या है एलिमेंट देख लो आप, हाइड्रोजन, फिर है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, कुछ नहीं है मतलब वन, मतलब ए, वन इंटू ए। राइट साइड कितना है, कुछ नहीं है मतलब वन, वन इंटू सी, सी, मतलब ए इज इक्वल टू सी। हाइड्रोजन देखो थ्री इंटू ए, थ्री ए, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो टू इंटू डी, टू डी, सही। ऑक्सीजन देखो टू इंटू बी, टू बी, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कुछ नहीं मीन्स वन है, वन इंटू डी, डी, ठीक। ये आ गया एक क्वेश्चन, ईजी है देखो, यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे भी ए है, मतलब ए को आप पुट कर लो वन, पुट ए इज इक्वल टू वन, क्योंकि ईजी है और ए इज इक्वल टू सी के बराबर है, तो ए अगर वन हुआ तो सी भी क्या हो जाएगा, वन। समझ में आया, ए और सी क्या है, इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू वन मीन्स सी इज इक्वल टू क्या, वन। पुट करो यहाँ पे थ्री ए, मतलब क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन, थ्री इज इक्वल टू टू डी, मतलब डी का वैल्यू क्या आया, थ्री बाय टू, डी का वैल्यू क्या आया, थ्री बाय टू, ए डी सी हो गया। अब चाहिए बी, डी का वैल्यू कितना आया, थ्री बाय टू, इधर रख दो थ्री बाय टू, और यह टू बी, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी इज इक्वल टू थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू मतलब क्या, टू बाय वन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू वन बाय टू, मतलब थ्री बाय फोर, ये किसका वैल्यू आया, बी का, तो बी इज इक्वल टू वट, थ्री बाय फोर। ये सारा वैल्यू आपको निकल के मिल गया यहाँ पे, ए सी बी डी, ठीक है। फिर आपको पुट करना है इसको इक्वेशन में, नोट कर ले उसको, नोट करना है तो ओके, नोट करना है इसको, नोट किए, चलो अब रब करता हूँ इसको। बाकी जो काम है आप नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस ए बी सी डी का जो वैल्यू है आपको पुट करना है इक्वेशन में, ठीक। चलो चलो ए की जगह क्या पुट करोगे, बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, ठीक। ए की जगह पुट करना है आपको वन, तो करो या ना करो ऐसे कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है। बी की जगह क्या पुट करना है, देखो बी की जगह थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, ठीक। फिर आपको C की जगह पुट करना है वन, फिर D की जगह पुट करना है, और D की जगह थ्री बाय टू, ठीक, प्लस थ्री बाय टू। समझ में आया, चलो अभी बैलेंस करना है इसको। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पे है, फ्रैक्शन यहाँ पे है, डिनोमिनेटर क्या है फोर, तो फोर से आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इक्वेशन को क्या करना है, फोर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एन एच थ्री प्लस फोर, फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा थ्री ओ टू गिब्स, फोर इंटू एन ओ, फोर एन ओ प्लस, अभी थ्री बाय टू है, मल्टीप्लाई होगा फोर से, तो टू टू ज़ा फोर मतलब सिक्स एस टू ओ, ये हो जाएगा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये था बस कुछ एग्जाम्पल था नॉर्मल सा, अभी थोड़ा सा लेवल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पी फोर प्लस एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू ओ गिब्स पी एच थ्री प्लस एन ए एच टू पी ओ टू, ठीक है। मान लो कि इसको बैलेंस करना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर आप जो फर्स्ट मेथड में करोगे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है आपको, फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और हीट एंड ट्रायल जो बुक मेथड दिया उसमें और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये एबीसीडी मेथड में ही करना है, काफ़ी इजी में सॉल्व हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं भी थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपका जो आंसर है क्लियर कट हो जाएगा आपके पास, सही। चलो तो पहले देखो,
क्या करना है इसमें, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, क्या हो जाएगा ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पांच है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में तीन और प्रोडक्ट साइड में दो कंपाउंड है, तो आपको ए बी सी डी आगे फिर ई भी करना है, ठीक है। तो फिर देखो क्या क्या एलिमेंट है, एलिमेंट पहले पी में आओ, पी में देखो 4 इंटू ए तो कितना हो जाएगा 4a, पी इधर कितना है देखो 1 इंटू डी मतलब 4a इज इक्वल टू डी, और पी ही क्या देखो इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, देखो पी यहाँ पे भी है और पी यहाँ पे भी, ठीक है, मतलब पी यहाँ पे भी एक है, 1 इंटू ई प्लस, ठीक है, तो प्लस ई हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। 4 इंटू ए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4a, राइट हैंड साइड में पी देखो यहाँ पे 1 है मतलब 1 इंटू डी डी, और पी यहाँ पे भी 1 है तो 1 इंटू ई ई, मतलब पी का इक्वेशन हो गया क्या 4a इज इक्वल टू डी प्लस ई। फिर आते हैं सोडियम में, ठीक, सोडियम देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है एन ए एक बार है तो लिख सकता हूँ बी, और तो सोडियम इधर नहीं है, फिर इधर देखो एन ए एक बार है मतलब बी इज इक्वल टू ई, ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला, सोडियम हो गया। फिर आते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में फोकस करना, यहाँ पे देखो एच एक हाइड्रोजन है मतलब बी प्लस, यहाँ पे है टू सी, बी प्लस टू सी कहाँ पे रिएक्टेंट साइड में इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में, देखो हाइड्रोजन कितना है 3D और यहाँ पे कितना हो गया 2E, 3D प्लस 2E, सही है। फिर देखो ऑक्सीजन बी प्लस हो गया, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में बी एक है मतलब बी, और यहाँ पे एक है मतलब बी प्लस सी, इधर ऑक्सीजन कितना है 2E, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2E, ठीक है, इक्वेशन आपको पहले बनाना है, 4A इज इक्वल टू डी प्लस ई, बी इज इक्वल टू ई, फिर बी इज इक्वल टू 2C यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, बी प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2, सही है 2C, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया बी प्लस सी इज इक्वल टू, सही है, ठीक है। फिर आते हैं इसको बैलेंस करते हैं, एक बार चेक कर लेना क्योंकि यही मेन चीज़ है आपका, ठीक है, इसमें गड़बड़ करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अभी किसको क्या पुट करोगे वो इम्पोर्टेंट है कि आपको पुट क्या करना है, मैक्सिमम जहाँ पे है वेरिएबल देखो वहाँ पे क्या पुट करना है, आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बी इज इक्वल टू ई यहाँ पे है सेकेंड में, और ई यहाँ पे भी है, और देखो ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, मैक्सिमम टाइम है ई, और यहाँ पे ई को मैं इसलिए टारगेट किया कि बी का वैल्यू क्या है ई के साथ इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो मैं बी को सॉरी ई को क्या पुट करना है 1, पुट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ई को क्या पुट करना है 1 पुट करना है। अच्छा अगर ई 1 हो जाएगा तो बी भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 दोनों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके हिसाब से इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में देखो 4a इज इक्वल टू डी प्लस ई था, अभी e को 1 पुट किए तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी प्लस 1, ठीक है, बस पुट करते जाना, जो वैल्यू आया तो उसको पुट करते जाना। फिर देखो सेकंड तो वही है, लिखना नहीं है। फिर देखो मान लो कि ऑक्सीजन का जो 4 नंबर इक्वेशन है उसमें क्या है बी प्लस सी इज इक्वल टू 2e, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो बी का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस सी और 2e, ई का वैल्यू कितना है 1 है मतलब 2, समझ में आया। अगर 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2 है तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो सी का भी वैल्यू मिल गया मेरे को क्या 1, यहाँ पे सी का वैल्यू मिला। और क्या चाहिए, ए डी का वैल्यू चाहिए, किसका ए और डी का वैल्यू, ए और डी का वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा एच वाला इक्वेशन को, नंबर 3 वाला इक्वेशन को, ठीक है। नंबर 3 वाला इक्वेशन देखो क्या है, बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3d प्लस 2e, जहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है दिख रहा है पुट कर दो, b का वैल्यू कितना है 1 मतलब 1, c का वैल्यू कितना है 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3d प्लस 2c, d का वैल्यू नहीं है, e का वैल्यू 1 है मतलब 3d प्लस
ये का वैल्यू वन है, मतलब टू इंटू वन कितना हो जाएगा टू। इधर ऐसे कर सकते हो, थ्री इज इक्वल टू थ्री डी प्लस टू। ठीक, और कुछ करना है सॉल्व? डी का वैल्यू निकालना है तो ऐसे करो, थ्री डी इज इक्वल टू टू इधर आएगा तो माइनस होगा, थ्री डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो डी का वैल्यू निकल के आया कितना वन बाय थ्री। डी का वैल्यू कितना आ गया वन बाय थ्री, डी इज इक्वल टू वन बाय थ्री। ठीक, अब क्या निकालना है देखो, ए का वैल्यू मिला नहीं, ए का नहीं मिला, बी सी डी ई कंप्लीट हुआ। अभी ए का वैल्यू कहाँ पे, कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे है फोर ए का लिंक है डी और ई के साथ। ठीक है, तो आप सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन क्या है, फोर ए इज इक्वल टू डी प्लस ई। सही, तो फोर ए, फोर ए ऐसे रहने, तो डी का वैल्यू कितना है देखो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री प्लस ई का वैल्यू आपके पास आया है वन, इसको पुट करो तो 4a इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आपको पता ही है, बताना जरूरत नहीं है, तो 4a इज इक्वल टू आया 4 बाय थ्री। तो a इज इक्वल टू कितना बनेगा 4 बाय थ्री डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये, तो ये इंटू 1 बाय फोर हो जाएगा, मतलब 4 बाय ट्वेल्व, 4 बाय ट्वेल्व। a का वैल्यू कितना आया 4 बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो a का भी वैल्यू आपको मिल गया 4 बाय ट्वेल्व। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। सिंपल, आपको बस ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ पे रखना है इक्वेशन में और उसको बैलेंस करना है। ठीक, चलो, आई होप आपको समझ आ रहा है, नोट किया इसको। चलो, अच्छा देखो, यहाँ पे जो ए इज इक्वल टू फोर बाय ट्वेल्व है ना, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, हाँ फोर वन बाय थ्री लिख सकते हो। ठीक, तो फिर आपको पुट करना है सिंपली इसको, चलो यहाँ पे पुट करना है, एक जगह क्या पुट करोगे देखो, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री पी फोर प्लस बी के जगह कितना है देखो वन, मतलब वही रहने दो एन ए ओ एच, प्लस सी के जगह कितना है वन, मतलब एच टू ओ, वन है मीन्स कुछ चेंजेस नहीं होगा, मल्टीप्लाई वन होगा तो वही रहेगा। पी एच थ्री, मतलब डी के जगह क्या लिखना है वन बाय थ्री, ई की जगह क्या लिखना है वन, मतलब वही रहेगा एन ए, सॉरी एन ए एच टू पी ओ। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थ्री है, थ्री है, डिनोमिनेटर क्या है थ्री है, तो टोटल जो इक्वेशन है आपको क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय थ्री, तो थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, हम बचेगा पी फोर, और यहाँ पे थ्री एन ए ओ एच प्लस थ्री एच टू ओ, यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल आउट होगा, बचेगा पी एच थ्री प्लस थ्री एन ए एच टू पी ओ टू। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं भी देखो, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर इसी, आप ट्राई भी कर सकते हो यही सेम क्वेश्चन को लेना, और जो बुक में आपका हीट एंड ट्रायल मेथड है उसमें ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो काफ़ी टाइम आपका खराब करेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको ए बी सी डी मेथड अप्लाई करना है। एक बार इक्वेशन यहाँ पे बन गया तो इक्वेशन का वैल्यू आएगा, और जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा ये 100% क्या है, सही है और एक्यूरेट आंसर आपको लगेगा। ठीक, चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अच्छा वाला है, देखते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको कोई भी बुक से सॉल्व करना है, अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो लास्ट इक्वेशन लिखो, वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद से करना ही है, थोड़ा तो प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, जेड एन एच एन ओ थ्री, एच एन ओ कहाँ गया, एच एन ओ थ्री गिब्स जेड एन एन ओ थ्री होल टू प्लस एच टू ओ प्लस एन टू ओ, देखना थोड़ा विजिबल हो रहा है ये वाला साइड, सही है, चलो एन टू ओ, चलो
अब देखो इक्वेशन में आते हैं, सॉल्व करना है इसको। पहले तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी, यहाँ पे सी डी और ई, ठीक है। फिर आते हैं एक एक ठो निकालते हैं कि एलिमेंट का नंबर्स कितना है। पहले आते हैं जेडन, जेडन का नंबर कितना है, जेडन इन लेफ्ट हैंड साइड एक ही टू है दिख रहा है, ए इंटू वन, और यहाँ पे कितना है देखो जेडन ए इंटू सी, और तो नहीं है, मतलब क्या लिखोगे आप, जेडन ए इज इक्वल टू सी, समझ में आया। यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मीन्स वन, वन इंटू ए, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स वन, वन इंटू सी सी, ठीक। तो जेडन कितना आ गया, ए इज इक्वल टू सी। फिर आते हैं एच, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो क्या है कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे वन, वन इंटू बी, मतलब यहाँ पे बी इज इक्वल टू हाइड्रोजन, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे टू डी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू टू डी। जेड एन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर आते हैं एन, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे है एन कुछ नहीं मीन्स वन है, मतलब बी, ओनली बी हो जाएगा। नाइट्रोजन राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे क्या है, एन होल में टू लगा हुआ है, ठीक है, एन और यहाँ पे होल में टू लगा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा टू सी। नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, ध्यान देना जो प्रोडक्ट साइड है उसमें दो जगह, यहाँ पे है यहाँ पे है, लास्ट इक्वेशन है, मतलब टू इंटू ई, मतलब टू सी प्लस टू ई हो गया। जेडन हो गया आपका, और आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया। फिर आते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, देखो ऑक्सीजन ओ थ्री, मतलब थ्री बी, थ्री इंटू बी, ठीक, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है। और फिर आते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, ओ थ्री, और यहाँ पे टू है देखो, मतलब ओ थ्री यहाँ पे टू है, मतलब ये क्या हो जाएगा सिक्स सी, थ्री इंटू टू मतलब सिक्स, और यहाँ पे सी सिक्स सी, और यहाँ पे ऑक्सीजन है देखो सिक्स सी प्लस डी, प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन है मतलब ई, समझ में आया। थ्री बी यहाँ पे बस एक जगह था, और यहाँ पे तीनों में ऑक्सीजन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिक्स सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। चलो ये बन गया आपका इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले देखना है मैक्सिमम वेरिएबल जो है मैक्सिमम टाइम कहाँ पे है, और टारगेट करना है ये दोनों को, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी, मतलब इजीली दो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ए को देखो या तो सी को देखो। देखो ए यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीन जगह है, तो आप क्या करोगे, पुट सी इज इक्वल टू वन, पुट सी इज इक्वल टू वन, सी को वन पुट करना है, ठीक है। अगर सी को वन पुट करोगे तो देखो सी का वैल्यू तो वन है ही, और सी ए के बराबर है, तो ए भी कितना आ गया वन, ठीक है, c इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन। फिर b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू टू डी, ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसका, आप ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू टू डी। अच्छा इसमें सॉल्व करो, इसमें देखो c c है, तो आप ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू टू इंटू सी, मतलब टू हो गया प्लस टू ई, ठीक है। चलो अभी इसमें आते हैं, ए इक्वल टू सी, ए हो गया, बी हो गया, बी और डी को निकालना है, टू प्लस टू ई, चलो उतना ही रहने दो। फिर आते हैं लास्ट इक्वेशन में, थ्री बी इज इक्वल टू सिक्स सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, इसमें आते हैं, और तो सॉल्व होने वाला नहीं है, और यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, ई का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, टू ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस टू, टू इधर आएगा, तो e इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, e को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइप का जब भी बनेगा, ध्यान देना मैं ये जो चीज़ है ये क्यों किया, ऐसे टाइप का जब भी इक्वेशन बनेगा आपको ट्राई करना है कि जो सब है b c d है, चार चार वेरिएबल एक इक्वेशन में कभी भी सॉल्व नहीं होगा, आप अगर मैथ की हो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो आपको वेरिएबल क्या करना है, यहाँ पे मैच कराना है, जो e है उसको b के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये जो d है उसको भी b के फॉर्म में लिखना है, जो c है उसको भी b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी एक वेरिएबल आपको कन्वर्ट करना है जो इजी होगा, ठीक है। तो e का जो वैल्यू आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू बी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, और आपका ये जो है b इज इक्वल टू टू डी, ठीक। चलो आप ऐसे लिख सकते हो, हम चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अच्छा देखो 3b इज इक्वल टू सिक्स सी प्लस डी
प्लस ए। समझ में आया? अच्छा अभी देखो मैं क्या बोला, हर एक चीज़ को आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अच्छा b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो b इज इक्वल टू 2d, चाहे यहाँ से देखो यहाँ से देखो रिपीट लिखा हूँ, ठीक है, तो इसकी जगह 2d पुट कर दो, मतलब हर एक चीज़ को d में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर देखो 6c प्लस, यहाँ पर d तो है ही, e की जगह क्या लिखोगे, b माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा आपका 6d, 3 इंटू 2 6, 6d इज इक्वल टू 6c प्लस डी प्लस बी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2d, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, b माइनस 2 बाय 2 है, तो b की जगह क्या लिखोगे, 2d माइनस 2 बाय 2, ठीक है। अगर ये दोनों में से 2 आप कॉमन लेते हो तो d माइनस 1 बाय 2, ठीक है, इसको लिखोगे, मतलब इसकी जगह क्या लिखना है, 2 इंटू डी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? देखो यहाँ पे भी d, यार यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, ठीक है, हर जगह आपको d में कन्वर्ट करना है। अच्छा c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू तो 1 है, c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो कुछ देखना ही नहीं, ये जो वैल्यू कितना है 1 है, तो आप 1 पुट करो, खत्म। 6 प्लस डी प्लस ये जो वैल्यू आपका आया, ठीक है, इसमें से आपको d का वैल्यू निकालना है। चलो इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करो, कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, सारा 1 1 है, तो 6d इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे एलसीएम 2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d माइनस 2, वैसे ही लिखो, ठीक है, तो 6d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, देखो 12 माइनस 2 मतलब 10, 12 माइनस 2 कितना होगा 10, 2d प्लस 2d मतलब कितना हो गया 4d डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जाए कितना हो जाएगा 12d, तो 12d इज इक्वल टू 10 प्लस 4d, 4d इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, मतलब 8d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू कितना 10 बाय 8। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 5 जा 2 4 जा, मतलब d का वैल्यू आपका निकल के आया कितना 5 बाय 4, d इज इक्वल टू कितना 5 बाय 4, ठीक है, समझ में आया d का वैल्यू। चलो अभी देखते हैं बाकी रिमेनिंग क्या है। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, देखो a कंप्लीटली मिल गया, c हो गया, d हो गया, आपको b निकालना है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू पता है यहाँ पे क्या है 2d, b इज इक्वल टू क्या है 2d, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू डी मतलब 5 बाय 4 फुट कर दो, 2 2 जा 4 मतलब कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 बाय 2, b का वैल्यू निकल के आया कितना 5 बाय 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, b इज इक्वल टू निकल के आया कितना 5 बाय 2। अब निकालना क्या है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d, e का वैल्यू निकालना है, तो e इज इक्वल टू क्या है, b माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, b कितना है 5 बाय 2 माइनस 2 और नीचे में 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कितना आएगा ये 2 होगा एलसीएम, और यहाँ पे तो 5 होगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, मीन्स 2 बाय 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 माइनस 4 मतलब 1 बाय 2, और इधर आएगा 1 बाय 2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स होगा, तो 1 बाय 4, तो किसका वैल्यू आया, ई का वैल्यू कितना आया 1 बाय 4, ई इज इक्वल टू 1 बाय 4, ठीक है, सारा वैल्यू आपको मिला। चलो अभी रब करते हैं, बस पुट करना है काम। चलो देखो ए की जगह क्या पुट करना है, ए की जगह 1 मतलब ऐसे ही रहने दो जेड एन, बी की जगह कितना है 5 बाय 2 एच एन ओ 3, सी की जगह पुट करना है 1 वही रहने दो जेड एन एन ओ 3 होल 2 प्लस, डी के जगह पुट करना आपको 5 बाय 4
H2O प्लस E के जगह पुट करना है आपको कितना 1/4, तो 1/4 N2O। ठीक, अभी देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसके साथ, 4 के साथ। तो क्या बन जाएगा 4ZN प्लस 2 जा कट, ये कैंसिल आउट होगा, 10HNO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × ZN, 4ZNNO3 होल 2। ठीक, फिर 4 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5H2O प्लस 4 अगेन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बचेगा N2O। दिस इज योर सॉल्वड इक्वेशन। ठीक है, चलो ऐसे ही कर सकते हो, 4ZN 10HNO3 4ZN NO3 2 5H2 N2, ये हो गया जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखो ये है सबसे हाई लेवल, इससे हाई लेवल आपका जो क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एक दो क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप एग्जाम में जो केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है आप स्किप करके आओगे। देखो एग्जाम में जो पैटर्न है केमिकल इक्वेशन का, बैलेंसिंग का, क्या आने वाला है, या तो आपको पूछेगा क्या एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने होगा, आपको चेक करना है ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है, पहला कंडीशन ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने गिवन होगा और आपको बोलेगा कि उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, उसको लिखना है। आपको प्रोसेस क्या है उसके बारे में नहीं पूछेगा, तो आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। और मैं आपको ऑलरेडी दो मेथड बता चुका हूँ, जो 90% केस है इजी वाला, जो भी नंबर है जो आपको प्रीवियस वीडियो है उसमें सॉल्व हो जाएगा। और ये जो 95 प्लस स्कोर करना चाहता है, 95 प्लस स्कोर करना चाहता है, ठीक है, साइंस में, तो ये सब छोटे छोटे चीज जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।